श्वेतांबरी जी, राधा पल्लव जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जो हम व्रत उपवास करते हैं क्या वो करना जरूरी है? मुझे अपने आसपास परिवार की तरफ से बार बार कहा जाता है, मुझसे होता नहीं है। क्या हम किसी व्रत उपवास के संकल्प को नाम जप के माध्यम से प्रगाढ़ता प्रदान कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अगर परिवार वाले कहते हैं तो एक दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। कर लेना चाहिए, अच्छा, शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है भाई। रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए, तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में दो बार या चार बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार रख ले या 15 दिन में एक बार रख ले, इसमें क्या जाता है? क्यों, किसका? हाँ, तो इसमें क्या जाता है? क्या आप एक टाइम थोड़ा फल लेकर के एक दिन भूखे नहीं रह सकते? कई बार बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार तो ऐसे ही हो जाता है, पर जब हम दिमाग से सोच लेते हैं कि आज व्रत रखना है, उस दिन नहीं खाते बनता है, उस दिन ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। कोई परेशानी का विषय नहीं, चूंकि आप शरीर भाव में है और शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप भ्रमित है कि बिना भोजन के नहीं रह सकते। कई कई दिन भोजन न होने पर भी कभी उदासी थोड़ी आई, साधु के जीवन में तो ऐसा होता है। गुरु जी, कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बिजी हैं और नहीं खाया एक दिन पूरा, पता ही नहीं पड़ता, पर जिस दिन पता है कि ये मन की चाल है और कोई बात नहीं। आप निष्ठा लाइए, हमें ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें, शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। एक हफ्ते में कोई दिन रख लें या 15 दिन में रख लें, इसका अभ्यास रखना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन भी पवित्र होता है। जब भूख का कष्ट होता है ना, तो फिर मन के पाप नष्ट होते हैं, उपवास के द्वारा बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माता जी ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, तभी अपर्णा नाम पड़ा। बिल्व के पत्र जो सूखे गिरते थे वही उठा के पा लेती, रात दिन भजन करती तो शिव जी मिल गए। तो देखो, अगर कष्ट सहोगी तो कष्टों का नाश हो जाएगा, जो आगामी आने वाले कष्ट हैं उनसे लड़ने के लिए आपके पास पावर हो जाएगा। व्रत है, नाम जप है, तीर्थयाटन है, साधु सेवा है, गौ सेवा, ये आपके पास सुकृत है, ये आपके पास वो बल है जिससे आप लड़ सकते हो जगत में। अब लोग जो है पापाचरण करते, धर्म करते नहीं, तो नष्ट भ्रष्ट होते चले जाते, चार दिन ऐसे चमके मिट्टिया मेट हो गया। धर्म करो तो धीरे धीरे आप बलवान बन जाओगे। आप अभ्यास कर लीजिए, आप इसमें कोई कठिन बात नहीं है। क्यों, 15 दिन में एक दिन को उपवास के लिए शाम टाइम कुछ पा लीजिए, सुबह थोड़ा जल पी लीजिए, उपवास करके रहिए, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी, पहले बहुत किया है, पहले हफ्ते में 3-3 दिन कर। नहीं, किया ही नहीं है, अगर पहले किया होता तो डर कैसे लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है भाई, व्रत का ऐसा हो गया आलू और उसका सिंघाड़े का। हाँ नहीं, आजकल तो व्रत क्या होता है, एक मनोरंजन हो जाता है ना, वो व्रत नहीं रहना चाहिए, वो व्रत हम नहीं कह रहे भाई। ऐसे तो रोटी दाल से काम चल जाएगा, वो जो कूटू होता है बड़ा महंगा होता है, कूटू की पूड़ी, हाँ, और सिंघाड़े का हलवा ऐसे नहीं, और वो समाज के चावल की खीर, ये सब महंगी चीजें हैं, और अंगूर और सेब संतरा, भैया ऐसे फलहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलहार, ऐसा फलहार तो रोज मिले बढ़िया है। फलाहार का मतलब होता है आज हम व्रत हैं तो 12 बजे तक तो कुछ खाया पिया नहीं, 12 बजे थोड़ा जल पी लिया और शाम के 4 बजे कुछ फल आदि थोड़ा सा डाल लिया और बस, रात्रि में कुछ नहीं लिया, या शाम के जैसे थोड़ा मीठा है, दूध है, ऐसे कुछ सात्विक, थोड़ा प्राण पोषण के लिए। एक दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा, और दूसरे दिन फिर प्रातःकालीन प्रभु को भोग लगा करके फिर अन्न प्रसाद पा ले। होता वही है कई जगह कि हम पूरा दिन फ्रूट खाते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं फ्रूट खा के रख लो, तो ऐसा व्रत का मतलब ही क्या हुआ? नहीं, वही हम कह रहे हैं, ऐसे व्रत का मतलब नहीं है, खाना खा लो। हाँ, उससे तो अच्छा 2 रोटी और दाल खा के नाम जप करो, बढ़िया है, इधर उधर की सामग्री से तो अच्छा है। गुरुदेव, हमारे गुरु जी कालिदास महाराज जी 49 साल से सिर्फ एक नारियल का। हाँ हाँ, बिल्कुल, संतों में बहुत ही क्षमता होती है, क्योंकि वो प्राण नहीं है, वो तो आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, और इतने महान तपस्वी होकर इतनी दैन्यता कि जब उनसे हम कहा आप कुर्सी में बैठ जाते, उन्होंने कहा नहीं, जमीन पे आने वाले थे। हाँ हाँ, तो हम वहाँ पे रुके थे, 9 दिन तक कथा हुई, तो गुरु जी बोले चलेंगे, लेकिन कुछ काम आ गया। वो बड़ी कृपा जब दर्शन दिया कि एक तो वयोवृद्ध और तप मूर्ति, और जब हमने कहा आसन पे ग्रहण करो कुर्सी पे,
तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कुर्सी में तो बहुत बैठते हैं आसनों सिंहासनों पर। नहीं नहीं, हमसे कहा कि आप जाइए गुरुजी के दर्शन कर लीजिए और कह दीजिएगा हमारा संदेश कि हम आएंगे। जरूर। अब महाराज जी बाहर भी ऐसा हुआ, हमने बोला कि आप अब विराजी, कह रहा जैसे आपकी व्यवस्था, मतलब इतनी दयनीयता कि हम लाइन में खड़े रहेंगे, सबके बाद में जाएंगे। और ऐसे प्रतापी है कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने जाते, वहाँ जमीन पे जब कहा कुर्सी बैठ जा तो करने दे और जमीन पे। महापुरुषों की यही महिमा होती है, तो मान रही तो सबई मानप्रद, आप अमानिए महापुरुषों की महिमा। गुरुदेव आप तो कहीं जाते नहीं, लेकिन गुरु जी हमारी इच्छा है कि एक बार आप जरूर आए। वृंदावन की सीमा के, ब्रज की सीमा के बाहर तो क्षेत्र संन्यास जो होता है ना, वो यही होता है। तो गुरु कृपा से धाम का आजीवन मरण पर्यंत वास, कि कुछ भी हो जाए, अंग अंग कट जाए, पर गुरु जी हम हमेशा दर्शन कर सकते हैं आगे। कभी आओ, आपका स्वागत, हृदय से स्वागत है। यहाँ बेशर्त काम है, शर्त ये कि आपका मंगल हो जाए, आप सुखी हो जाओ, आप सच्चे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, बस इतनी बात है।